तो हम यह सेट स्क्वायर की सहायता से और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो आप सबसे पहले फ्रंट में से एक ब्लॉक और साइड में से एक ब्लॉक और टॉप में से एक ब्लॉक, ये निश्चित होता है। अब यदि आप फ्रंट और साइड से एक एक डिब्बा लेंगे तो टॉप में से भी एक लेना ज़रूरी है, और ये निश्चित होता है कि आप फ्रंट और साइड में नीचे से ही लें, चाहे फ्रंट में पहले लें और चाहे साइड में से लें, परंतु टॉप में से पहले नहीं लेना है। तो हम पहले सबसे पहले इस ब्लॉक को लेंगे, तो यह निश्चित हो गया अगर हमने फ्रंट व्यू में से लेफ्ट हैंड का टुकड़ा पहले लिया है तो आप साइड व्यू में से भी लेफ्ट हैंड का टुकड़ा ही पहले लेंगे। तो इसके साथ ये निश्चित है कि आप 10 का टुकड़ा ही लेंगे, 35 का पहले लेने पर 10 लेंगे, यदि पहले आपने 15 का ब्लॉक लिया है तो आप 30 का ब्लॉक पहले लेंगे। आप साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमने 30 का लिया तो ये 15 इसके साथ निश्चित है। अगर आप ये नहीं 30 के साथ आप 35 का लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये निश्चित होता है कि यदि आप फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट से, तो आप साइड में से भी लेफ्ट में से ही लेंगे। तो हम पहले ये 35x15 का 30 डिग्री पे इंक्लाइंड लाइन बनाते हुए ऐसे बनाया गया है। यह 35x12 का डिब्बा हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें से इसके साथ ये डिब्बा लेंगे, ये निश्चित हो चुका है क्योंकि हमने पहले फ्रंट में से लेफ्ट हिस्सा लिया है। तो आप इसको इसके साथ ऐसे 10x12 बनाएंगे। अब आप टॉप में से इसके ऊपर यह वाला डिब्बा लेंगे, तो ये निश्चित है ये लाइन 35 ही है, क्योंकि फ्रंट की चौड़ाई और टॉप की चौड़ाई बराबर होती है। तो यह 35, 10, 15 होता हुआ ऐसे यह ब्लॉक बनाना है आपको डाइमेंशन अनुसार। तो यह 35 हो गई, यह 15, इसके बाद आपको यह डाइमेंशन 15 लेनी है, यह 15, यह ऐसे घूमता हुआ ये हमारा टॉप का हिस्सा थर्ड नंबर बन के था। ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये थर्ड नंबर बन के तैयार है। अब हम दोबारा से फ्रंट में से लेंगे, तो 15 का डिब्बा आप इसके प्रॉपर बराबर न लेके 15 यह लाइन होने पर आप यहाँ इस जगह लेंगे। यह हमारा यह 4 नंबर डिब्बा बन के तैयार है, जो फ्रंट में से ही नज़र आएगा। अब हम साइड से दोबारा 30 नंबर डायमेंशन 30 28 लेते हुए यह ब्लॉक बनाएंगे। यह हमारा यह 5 नंबर ब्लॉक बन के तैयार है। इसी प्रकार अब आप टॉप में से ले सकते हैं, तो आप पहले इसको लें चाहे पहले इसको लें। तो यह हमारा 30 ए ये डिब्बा 30x15 का यह वाला डिब्बा है। छः नंबर होगा इसका। अब हम दोबारा फ्रंट में से लेते हुए, फ्रंट में से यह ऐसे बनाते हुए डाइमेंशन अनुसार इस टुकड़े को जो आपको लेफ्ट हैंड से ही नज़र आए, तो लेफ्ट में से नज़र डालते हैं तो यह दो रेखाएं नज़र आएंगी जो इस प्रकार है, ये बन चुकी है। ये हमारा ये हिस्सा 7 नंबर बन के तैयार हो चुका है। अब हम दोबारा साइड में से लें 16, तो ये रेखा 16 की है और ये राइट से ही नज़र आ रही है, तो ये आपका ये 8 नंबर ब्लॉक बन के तैयार हो चुका है। अब हम टॉप में एक टुकड़ा बचा हुआ है, उसको आप प्रॉपर इस जगह लेंगे, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार है। और यह निश्चित होता है कि इसमें जो भी इंक्लाइंड लाइनें बनी हुई हैं, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, सभी 30 डिग्री के एंगल इस कोने से बनी हुई हैं, और जो वर्टिकल लाइनें नज़र आ रही हैं वह सभी 90 डिग्री इस कोने से बनी हुई हैं। 90 डिग्री की रेखाएं यह कहलाती हैं जो प्रॉपर धरातल के लंबवत बनी होती हैं, इन्हें वर्टिकल लाइन भी कहा जाता है। और जो न तो ओरिजेंटल और न ही वर्टिकल और बीच की रेखा तिरछी होती हैं, उन्हें इंक्लाइंड रेखा कहा जाता है। जो ये इंक्लाइंड रेखाएं
सभी इंक्लाइंड रेखा 30 डिग्री के कोण पर बनी हुई है, जो यह कोना 30 डिग्री का है इस सेट स्क्वायर में। इस सेट स्क्वायर का प्रॉपर इसका साथ निभाने के लिए एक निश्चित जगह रखकर और इस प्रकार उपयोग किया जाता है। जो 30 डिग्री और 90 डिग्री रेखाएं बनाने के लिए प्रॉपर पूरी सीट में उपयोग किया जाता है। जब तक आइसोमेट्रिक बन के तैयार ना हो, जब तक यह अपने स्थान जो एक रेखा बनाई जाती है उस पर रखकर इसी स्थान पर रहेगा और यह हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनकर तैयार है। जिस ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाया गया है, ड्रॉ ऑफ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ना, तो आप कि किसी को समस्या आए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आपका यह टॉपिक हमारा पहले ऑर्थोग्राफिक बनाना सिखाए थे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, और हम नेक्स्ट क्लास से आपको आइसोमेट्रिक जो सेट स्क्वायर की सहायता से बनाए जाते हैं उनका अभ्यास करना सिखा रहे हैं। थैंक यू।